गरीब के बच्चों को अपराधी बनाने पर आतुर है। ये अंग्रेज के भी शासन को धत्ता बताने का काम किया जा रहा है जिस तरीके का कार्य हो। इससे पहले भी एक्सीडेंट होते थे, 2 साल की सजा का प्रावधान था। भारतीय न्याय संहिता में जो धारा 106/2 संशोधन कर जो प्रावधान बनाया गया सजा का, 7 साल जेल और 10 लाख रुपए जुर्माना। आप सोचो कि क्या कोई ड्राइवर कभी जानबूझ करके दुर्घटना करना चाहेगा? कभी नहीं, क्योंकि आप भी ड्राइविंग करते होंगे, बाइक चलाते होंगे, कार चलाते होंगे। अगर उसके सामने आवारा पशु आ जाए तो वो ड्राइवर, चाहे वो बाइक का ड्राइवर हो या कार का या ट्रक का ड्राइवर, उस आवारा पशु को बचाने के चक्कर में खुद तो चोट खा लेता है लेकिन उसे बचाने का हर संभव प्रयास करता है। लेकिन ये सरकार घर में बैठे एसी के अंदर बैठ करके कानून का फरमान जारी करता है, और जिससे हिंदुस्तान में यानी सरकार का आंकड़ा है कि हम 80% लोग 5 किलो राशन पे गुजारा करते हैं। तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि वो लोग 10 लाख रुपया जुर्माना भर के अपने भाई अपने बच्चों को छुड़ा सकता है? क्या एक ड्राइवर की कमाई पूरे जीवन में 10 लाख रुपया वो एकत्रित कर पाएगा? इन सब बातों को सोचकर आज ड्राइवर, चाहे वो कार का ड्राइवर हो, निजी स्वामी के का ड्राइवर हो या मोटरसाइकिल का ड्राइवर हो, आज उसके परिजन डरे और सहमे हुए होते हैं कि मेरा पति, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा बच्चा सड़कों पे गाड़ी लेके गया है, खुदा न खास्ते कुछ ऐसी बात हो जाए तो क्या होगा। तो आज हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद के पदाधिकारी अपने गाजियाबाद के जिला अधिकारी महोदय को महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन देने आए। ज्ञापन में हमारी सुलभ मांग है कि जो धारा पहले था यातायात में वही लागू हो, और जो वर्तमान में इन्होंने लगाने का जो काम किया है इसे वो वापस लेने का काम करें। तो अभी जैसा कि मैं ज्ञापन में लिखा हूँ, मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली द्वारा जिला अधिकारी महोदय गाजियाबाद। महोदय, आपसे AIMIM पार्टी गाजियाबाद केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन मामले में कानून बनाने के अंतर्गत वाहन चालक द्वारा दुर्घटना पर 10 लाख रुपए जुर्माना एवं 7 वर्ष कारावास का प्रावधान रखा गया है। इस काले कानून को वापस लेने की मांग AIMIM पार्टी गाजियाबाद करती है। महोदय, भारत सरकार द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 106/2 में 7 वर्ष का सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना के खिलाफ लोकसभा के अंदर में, चाहे वो महिलाओं की सम्मान की बात हो, जब महिला आरक्षण बिल आ रहा था उस वक्त भी सारे सांसद ठगबंधन गठबंधन और भाजपा वाले सब एक हो गए। किसी ने नहीं कहा कि पिछड़े माँ बहनों को भी सम्मान चाहिए, आरक्षण चाहिए। किसी ने नहीं कहा कि महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण चाहिए। अगर किसी ने उस आवाज़ को बुलंद किया तो वो हमारा और आपका नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि ये न्याय नहीं, अन्याय हो रहा है महिलाओं के साथ। उसी तरीके से जब ये कानून लाया जा रहा था उस लोकसभा के अंदर में, किसी भी पार्टी के नेता ने अपनी आवाज़ बुलंद नहीं की। अगर किसी ने आवाज़ बुलंद किया तो वो मेरा नेता, आपका नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे, जिन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि भारत सरकार को बताने का काम किया कि ये कानून गरीब विरोधी है, ये अमीरों के हक में है। अमीर तो जुर्माना जमा करके वो बाहर होगा और गरीब का बेटा अंदर चक्की पीस रहा होगा। इसलिए आप पुलिस को ताकत ना दे, जनता को ताकत दे, नहीं तो कल को जनता सड़कों पे होगी। और वही हुआ। 2 दिन तक ड्राइवर भाई हमारे सड़कों पे रहे, और जब भीड़ सड़कों पर देखी सरकार तो बैक फुट पड़ाती है और कहता है कि मैं आश्वासन देता हूँ कि इस पे चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करने के बाद इसे लागू करने का काम करेंगे।
तो मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी कानून कहने मात्र से, पास कर देने मात्र से लागू नहीं होता, उसे लागू होने में समय लगता है। ठीक है, हमारे ड्राइवर भाई आ गए कारों अपने काम पे, अच्छी बात है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था बनी रहनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हम ड्राइवर भाइयों को बेवकूफ़ बनाएंगे। आपसे अनुरोध है कि ये कानून काला कानून है, इसे आप वापस लेंगे और इस आवाज़ को मजबूती के साथ अकेला हमारा नेता लोकसभा के अंदर में उठाने का काम किया। महोदय, आज ड्राइवर कॉमर्शियल हो या निजी वाहन स्वामी का चालक एवं उनका परिवार दहशत में जीने को मजबूर है। महोदय, ड्राइवर अपने पूरे जीवन में 10 लाख बचत नहीं कर पाता, इसलिए आपसे निवेदन है कि गरीब के हित में, देश के हित में इस काला कानून को आप वापस लें और वापस लेने का निर्देश केंद्र सरकार को देने का कार्य करें। क्रांतिकारी अभिवादन के साथ ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जनाब शौकत अली जिंदाबाद, जनाब शौकत अली जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, ड्राइवर के खिलाफ काला कानून वापस लो, ड्राइवर के खिलाफ काला कानून वापस लो। पंडित मनमोहन गामा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद।